हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि मीन राशि के लिए 13 सितंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है, सन, मून, वीनस, राइजिंग, किसी भी तरह से अगर आप मीन राशि से कनेक्ट होते हैं तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, 13 सितंबर बुधवार का दिन मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा, उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। अगर आपको डेली होरोस्कोप देखना पसंद है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ब्यूटीफुल सी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं, वहीं बॉटम में है हमारे पास द फूल। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो आज के दिन में अगर आप किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो फैसला आपके हक में होगा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। वहीं आज के दिन जिस भी एक्टिविटी में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे या जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल ये आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। तो ऐसे में आप आज के दिन में कुछ भी नया प्लान करना चाहें, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कहीं ट्रैवल करना चाहें, किसी से मिलना चाहें, किसी नए प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहें, तो डेफिनेटली आप करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। रिजल्ट आपके फेवर में होंगे, भाग्य आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके फेवर में है, फैसले आपके हक में हो रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको 110% मिलेगा। जहाँ पर आपने हार्डवर्क किया है वहाँ के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मिलेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वहीं आज के दिन में ना, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं या जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, उनको आप लेट गो करके अपनी लाइफ पर पूरी तरह से फोकस करते हुए दिखाई देते हो। वहीं आज के दिन में आप में से कुछ लोग ना, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन या किसी के धोखे, चीटिंग, डिसेप्शन की वजह से थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो, लेकिन स्टिल द फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो इस सिचुएशन को आप लेट गो करके केयर फ्री होकर अपनी लाइफ पे आगे फोकस करोगे, कहीं घूम कर आओगे, कहीं ट्रैवल करोगे, एंड 110% थिंग्स आपके फेवर में होंगी। सो ज़रूरी भी है, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं या जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, उन सिचुएशन को, उन लोगों को लेट गो करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं आज के दिन की क्या आ रही है। और गाइडेंस आपके लिए आज के दिन के लिए ये आ रही है, डोंट मेक एजम्पशंस। आपको एजम्पशंस नहीं बनानी। रिलिंग्विश द नीड टू चेंज अदर। ठीक है, तो आपको बस खुद के लाइफ पे फोकस करना है। गाइडेंस भी ये है, दूसरों को चेंज करने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, खुद के लाइफ पे फोकस कीजिए, एंड मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। ओवरऑल आज का दिन आपके लिए बहुत 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 बढ़िया है। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।